खरगोन जिला मुख्यालय पर बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले कलेक्टर जिला खरगोन के नाम एनटीपीसी पावर प्लांट सेल्दा में स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराने और एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा बाहरी प्रदेश के लोगों को रोजगार देने संबंधी शिकायत दर्ज करवाई। इसके पूर्व बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली के माध्यम से एनटीपीसी पावर प्लांट सेल्दा के खिलाफ नारेबाजी कर कलेक्ट्रेट पहुंचे। एसडीएम सत्येंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम में एनटीपीसी पावर प्लांट सेल्दा में स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मांग की। मांग अगर नहीं मानी तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। एनटीपीसी का जो प्लांट है सेल्दा का, जहाँ पर जो शिक्षित बेरोजगार लोकल के जो लोग हैं, जो भारत सरकार की गाइडलाइन उसके अनुसार उनको रोजगार देना चाहिए, पर अन्य प्रदेशों के लोगों को राजनीति के तहत उनको काम दिया जा रहा है और जो लोकल के लोग हैं जो बेरोजगार है उन लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर अभी आंदोलन किया है और ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को हमने सजेस्ट किया है, अगर हमारी बात को नहीं सुनते तो बहुजन समाज पार्टी और भी उग्र आंदोलन करेगी। ये हमने शासन प्रशासन मांग क्या किया, हमने मांग की है कि जो लोकल के लोग हैं उनको रोजगार दिया जाए, उनको एनटीपीसी में उनको नौकरी दी जाए और उच्च स्तरीय जांच की जाए, जिन लोगों को फर्जी तरीके से नौकरी दी है उनकी जांच की जाए। ये बहुजन समाज पार्टी ने मांग की है। क्या नाम आपका? मेरा नाम दिनेश अहिरे, मैं बहुजन समाज पार्टी का झोन का प्रमुख। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।